आपके घर की महिलाएं हैं, अगर वो सही में कुछ करना चाहती हैं ना, तो उन्हें करने दो। बिजनेस तो कोई खानदानी था नहीं और बिजनेस का मुझे बी भी नहीं पता था, लेकिन मैं मैजिक और मेहनत, मेहनत को कैसे मैजिक में बदला जाता है, ये मैंने अपने आप से किया है। मतलब माँ के घर से सीख कर नहीं आई थी, ये सारा कुछ मुझे मिला है मेरे ससुराल से। कोई लड़की आपके घर शादी होकर आती है और सही में उसकी कोई इच्छा है कि वो कुछ करे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम मरते एक बार हैं, हम जीते एक बार हैं, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। सो हम एक ही बार मरते हैं, एक ही बार जीते हैं। हम इतना कमाते हैं, पिज्ज़ा बर्गर खाना नॉर्मल है, मैं भी खाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं खाती, बट यस वो खाने के साथ साथ मैं मेरी फैमिली का और हमारे पूरे घर का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि हम अगर वो खा रहे हैं, उसे कचरा ही खाना मैं कहूँगी, हम कचरा भी खा रहे हैं पर कचरा हम कभी तो खा रहे हैं, पर अच्छा खाना मैं रोज खा रहा हूँ। दोस्तों आपका स्वागत है और मैं रोशनी, और जैसे मेरे ब्रांड का नाम इको श्योर है, तो आज हम तिल का तेल पूरी तरीके से निकालने वाले हैं आपके सामने। ये पूरी प्रोसेस मैं दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हम तिल का तेल निकालते हैं। मार्केट में जो आपको तिल का तेल मिलता है और जो हम तिल का तेल बनाते हैं उसमें क्या फ़र्क होता है, ये सारी बातें आज हम डेप्थ में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप तिल की क्वालिटी भी देखेंगे तो ये देखिए, इस तरीके की तिल की क्वालिटी होती है। जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी बहुत ही क्लीन, साफ सुथरा, और हाइजीन तो हम मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें पता है ये खाने की चीज़ है। और मैं खुद भी एक गृहिणी हूँ, एक माँ हूँ, तो इसके नाते साफ़ सफाई का ध्यान मैं बिल्कुल रखती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी कुछ हम हमारे कस्टमर तक पहुँचाएँ वो साफ़ और अच्छा और शुद्ध हो। और जो ये मशीन के बारे में सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, ये जो मशीन है बाहर से फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, और अंदर जिसके अंदर तेल बनता है वो पूरा पोर्शन ये लकड़ी का होता है, वुडन की लकड़ी का होता है, और लकड़ी में भी ये बबूल की लकड़ी का होता है। तो इसका अपना हेल्थ बेनिफिट है। अगर हम आयुर्वेद में बबूल की लकड़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी मेडिसिंस में भी यूज़ होता है। सो ये जो ऑयल इसमें मैन्युफैक्चर होता है इस वुड प्रेस्ड प्रोसेस द्वारा, उसमें भी आपको हेल्थ बेनिफिट्स के तो मतलब बेहिसाब आपको इसमें हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि जो मार्केट का तेल होता है जो आप खाते हैं वो एक्चुअली आप कचरा खाते हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं पता। अगर आप जाके मील में, अगर आप जाकर वहाँ पे प्रोसेस देखेंगे ना, तो शायद आप तेल खाने से संन्यास ले लेंगे, बोलेंगे मुझे तेल बिल्कुल नहीं खाना है। और यहाँ जो प्रोसेस होगा ये देखकर शायद आप खुश होंगे कि सही में, या आपको विश्वास भी ना हो कि सही में ऐसा तेल बनता है क्या, ऐसा शुद्ध तेल मार्केट में मिलता है क्या। क्योंकि मेरे कई क्लाइंट के सवाल होते हैं, पहला कॉल आने पे यही होता है, मैडम ये सही है ना, ये प्योर है ना। क्योंकि आजकल मार्केट में इस तरीके की मिलावट है कि लोगों का अच्छी चीज़ों पर से विश्वास हट चुका है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यही अच्छा वाला शुद्ध वाला ही दे रही हूँ, और मेरे जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो इस कोशिश में हैं कि हमारे देश को अच्छा और शुद्ध वाला तेल दे। और जो तिल है ये भी हमारी ब्रांडेड होती है, पर हाइब्रिड नहीं है, ये देसी तिल है। अगर आप इस तिल का कलर देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, तो ये सफ़ेद वाली तिल नहीं है, ये पिंकिश गुलाबी वाली तिल है आप देखेंगे। और हमारा मटेरियल भी काफ़ी क्लीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होती। कई बार तो कस्टमर अपने घर भी ले जाते हैं कि हमें इसको सब्ज़ी में डालना है, लड्डूस बनाना है। मतलब हमारा मटेरियल बताने का मतलब है कि प्रीमियम क्वालिटी का होता है, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कस्टमर की हेल्थ के साथ, बिल्कुल नहीं। तो तिल का तेल पीने से आपके हड्डियों को बहुत क्या बोलते हैं, एक तरीके का मजबूत होती है तिल के तेल पीने से। और प्लस जो जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट होना चाहिए, आमतौर पर गाड़ियों की लोग सर्विसिंग क्यों कराते, गाड़ियों की सर्विसिंग इसलिए कराती है, बहुत बेसिक सभी को पता है कि हमारी सर्विसिंग कराने से हमारे जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो मजबूत रहें, वो एक दूसरे से घिसे नहीं, इसलिए हम लोग ऑयलिंग भी कराते हैं। सर्विसिंग में एक पार्ट ऑयलिंग का होता है, सेम हमारे शरीर के साथ है। ये सारे जो आपके जॉइंट्स हैं ना, इनकी सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्विसिंग ना हो तो जब 40 के हो गए ना, 45 के, तभी से हमारे घुटने कमर में दर्द शुरू हो जाता है, और ये एकदम आम बात है। क्योंकि भाग दौड़ की इस लाइफ में हम हमारी सर्विसिंग करते ही नहीं हैं, हम सिर्फ हमारी चकाचौंध, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी जिन जो बोलते हैं ना, जो कि चीज़ जिसकी अनसर्टेन चीज़ है गाड़ी, इन सब चीज़ों की आप कराते हैं, आधुनिक चीज़ों की आप सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपने हेल्थ को भूल जाते हैं। जिसमें सबसे ज़रूरी है कि आपको आपके हेल्थ पर ध्यान देना। हम इतना कमाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाना नॉर्मल है, मैं भी खाती हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं नहीं खाती, बट यस वो खाने के साथ साथ मैं मेरी फैमिली का
और हमारे पूरे घर का हम पूरा ख्याल रखते हैं कि हम अगर वो खा रहे हैं उसे कचरा ही खाना मैं कहूँगी, हम कचरा भी खा रहे हैं पर कचरा हम कभी तो खा रहे हैं, पर अच्छा खाना मैं रोज खा रही हूँ। सो जब मैं रोज अच्छा खाऊंगी एक दिन कचरा खाऊंगी तो कचरा का इफेक्ट मुझे उतना नहीं होगा, लेकिन अगर मैं रोज कचरा खाऊंगी तो वो इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा होगा। तो भारत की लोक संख्या होगी ना, उसमें के 1% लोग भी ऐसा अच्छा वाला तेल नहीं खाते, ज़्यादातर लोग वही रिफाइंड खा रहे हैं, और रिफाइंड ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ और सिर्फ बीमारी की तरफ ले जाती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इको श्योर का ऑयल खरीदें, ये ज़रूरी नहीं है, आपके आसपास कोई अच्छा वेंडर है जो ऐसा इस तरीके का ट्रेडिशनली प्योर ऑयल आपको दे रहा हो तो आप वहाँ से खरीदें, ये मेरी गुजारिश है। लेकिन आप सब अच्छा खाएं, क्योंकि हम कमाते बहुत हैं, चाहे कम कमाइए चाहे कम ज़्यादा कमाइए, जब डॉक्टर की बारी आती है ना तो वहाँ डॉक्टर ये नहीं देखता कि भाई आपकी बैंक बैलेंस कितना है, उसे उस पेशेंट और उसकी बीमारी अपनी फीस से मतलब होता है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप जा कहाँ रहे हैं, या अपना हार्ड मनी आप कहाँ दे रहे हैं। जब भी आप कोई चीज़ परचेस करते हैं तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पैसे दे रहे हैं। मैं ध्यान देती हूँ क्योंकि मैं शायद ये काम कर रही हूँ और मेरे साथ कई ऐसे अच्छे लोग कनेक्ट होते हैं, तो उनसे जब बातें होती हैं तो कई ऐसी बातें पता चलती हैं कि यस हमारा हमारी सोच कहाँ है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब लेक्चर नहीं है, ये सब एक जस्ट मेरी एक कोशिश है आप सबको अवेयर करने की अपने काम के माध्यम से, अच्छे वाले काम के माध्यम से। तो चलिए अब ये तिल का तेल बातों के साथ साथ ये पाउडर हो चुका है, अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, मॉइस्चर के लिए वाटर ऐड करेंगे, वो बहुत नॉर्मल वाटर हम इसमें ऐड करेंगे, इससे तेल की क्वांटिटी बढ़ती नहीं या कोई मिलावट नहीं होती, इससे सिर्फ और सिर्फ तिल में एक मॉइस्चर क्रिएट होगा ऑयल जनरेट करने के लिए, ऑयल इसमें धीरे धीरे फिर छोड़ने लगता है। सो इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया। वैसे आप ये ऑयल कितने साल से बांध रहे हो? ये हम 6 साल से ये काम कर रहे हैं, आज डिजिटल है, टाइम के साथ चलना चाहिए, तो हमने थोड़ा स्टार्ट किया है, और आप जैसे वीडियो ब्लॉगर्स और यूट्यूबर के माध्यम से आज मैं देश के हर कोने तक पहुंच पाई हूं और लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, हमारे प्रोडक्ट हमारे इको श्योर को बहुत सारा रिस्पेक्ट मिल रहा है, और बस चाहूंगी कि ये कार्रवाई ऐसे ही चलता रहे, हम क्वांटिटी में काम करें नहीं करें पर क्वालिटी में हम ज़रूर काम करेंगे। और ये ऑयल बनाना आपने कहाँ से सीखा? हाँ, ऑयल बनाना ये मेरे एक्चुअली ससुर जी हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे वहाँ पे, वो ऑयल मेकिंग के वो ट्रेनर, और उन वहाँ से ये शुरू हुआ, मेरी जॉब कॉस्ट कटिंग में जा चुकी थी, एंड ये था कि करना चाहिए कुछ, बट क्या होता है ना जब आप काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में होते हो तो इंसान का दिमाग काम नहीं करता, और वो चीज़ें कोई भी अच्छी बात भी बोलता है तो इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि कई सारी लाइबिलिटीज़ थी, मेरे अकाउंट्स NPA में गए थे, मेरे लोन अकाउंट्स NPA में गए थे, बैंकों के मुझे फ़ोन भी आ रहे थे बिकॉज मैंने घर खरीदा था, और ये सब बिफोर मैरिज की बात मैं बता रही हूँ, आफ्टर मैरिज की नहीं, पर आना जाना जान पहचान थी, तो उस तरीके से सजेशन मुझे दिया था मेरे फादर इन लॉ ने कि भाई ये काम करो तुम, शायद इसमें कुछ कर पाओगी, पर कैसे होता है ना, शेर को खून की आदत लग जाती है, खून पीने की या कह दो चेहरे पे, तो वैसे नौकरी करते करते हमें सैलरी की बहुत अच्छी वाली आदत लग जाती है, हर महीने 30 तारीख को क्रेडिट होने की, तो मेरा भी वैसे ही था, ये बिज़नेस तो कोई खानदानी था नहीं, और बिज़नेस का मुझे बी भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी कि बिज़नेस कैसे होता है क्या होता है, लेकिन यस उनका वो कहना और उसके बारे में सोच कर उसे शुरुआत करनी, और शुरुआत भी मैंने कोई बहुत छोटी की थी, मैंने पहले एग्जीबिशन से शुरुआत की, और एग्जीबिशन नए शहर में जाके अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो नासिक जैसे शहर में मैंने एग्जीबिशन से शुरुआत की, वहाँ 100 ml 200 ml तेल बेचने की शुरुआत की। आज के 6 साल पहले कोल्ड प्रेस ऑयल को लेकर लोग इतने अवेयर नहीं थे जितने आज अवेयर हैं, आज लोगों को कोल्ड प्रेस ऑयल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि मुझे कई इतने कॉल आ रहे हैं कि मैं वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, तो इससे मुझे लग रहा है कि भारत में कईयों को पता है, कई लोगों को पता है कि क्या होता है कोल्ड प्रेस या क्या होता है केमिकल फ्री ऑयल का बेनिफिट। पर जब मैंने 100-200 ml कोशिश की मैंने बेचने की, पर वो बिका नहीं, होपलेस हो जाती, दिन के अंत में 4 दिन का एग्जीबिशन 8-10 हज़ार आप भरते हो, पैसे होते भी नहीं थे, फिर भी हम कैसे भी करके करते थे, इसके बाद हम घर पे डांट भी खाते थे, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया वही मुझे डांटते थे कि ये बहुत गलत गलत बिज़नेस कर रहे हो,
ये कोई बिजनेस की टिक्स नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, बट मैं हमेशा मन ही मन ये बस सोचती थी कि एक दिन आएगा कि कुछ तो मैजिक होगा। और इस बात पे रोई भी हूँ कई बार कि यार क्यों ऐसा, हम कर रहे हैं ना, हम अच्छा कर रहे हैं, शायद इस पे कुछ होगा, पर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कंटिन्यूटी रखी, मैं और मेरे हस्बैंड ने कंटिन्यूटी रखी। उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, मेरा जॉब छूटा हुआ था, इसके बाद हमने ये जर्नी पकड़ के रखा। हम डेली रोज हम 15 किलोमीटर मेरे घर से हमने शॉप ली रेंट पर, आज भी रेंट पे हमारी दो शॉप है नासिक में। तो हमने डेली 15 किलोमीटर हम एक ही टू व्हीलर पर आते थे और 50 रुपए का पेट्रोल भरते थे, दोनों आते थे, दोनों साथ जाते थे। इस तरीके से हमने स्ट्रगल किया, पर मैंने तब भी हार नहीं मानी। मैंने यही सोचा कि ये करना है क्योंकि यही मेरा ब्रेड बटर है, इसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो बस फिर तो भी चालू रखा, पर यस धीरे 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 उस चीज़ को फिर से हमने पटरी पे लाई और चीज़ें हम करते गए। काफ़ी सभी लोगों का साथ रहा, फैमिली फ्रेंड्स, हमारे जो रेंट जो हमारे शॉप ओनर हैं, तो हर किसी के एक बोलते हैं ना, सहयोग के बिना इम्पॉसिबल होता है। तो जब आप अच्छा काम करते हो तो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, बस ये समझने वाली बात है। अगर आप समझ जाओगे तो आप अच्छा और बेस्ट कर सकते हो। तो हमने वो कोशिश की और उसका रिजल्ट है कि आज मुझे एटलीस्ट मेरे ब्रेड बटर की चिंता नहीं है, एटलीस्ट मुझे दो टाइम का तो आराम से मिलेगा। देखो, हमने कहानियों में ही परियों की कहानियाँ सुनी होंगी कि ऐसा होता है, जादू होता है, मैजिक होता है, बट आज मेरी लाइफ में मैं मैजिक देख रही हूँ। पर ये मैजिक, ये विश्वास हमेशा से था। मुझे ना एक बात बताना चाहूँगी, मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा था तुम बिजनेस करोगी, बट मैंने इसको बोला क्या बिजनेस, तब मैं जॉब कर रही थी, आई वॉज जस्ट 20 एंड माई सैलरी वॉज 17,000। तो मैंने इसको बोला क्या, मेरे घर में कौन बिजनेस, कुछ बिजनेस नहीं, मैं बिजनेस नहीं करूँ। लेकिन आज मैं वो सोचती हूँ ना, वो बात, ये बात को 2007 में, और आज अगर मैं सोचती हूँ तो लगता है अरे यार उसने तो सही कहा था, मैंने उसको मजाक में लिया था। पर देखो, कभी कभी एस्ट्रोलॉजी भी सही होती, लेकिन मैंने सोचा नहीं था। लेकिन मैं मैजिक और मेहनत को कैसे मैजिक में बदला जाता है, ये मैंने अपने आप से किया है। और मेरी लाइफ में मैं यही, अभी मेरी बहुत उम्र नहीं है, बहुत बड़ी नहीं हूँ, पर मैं यही सोचती हूँ कि अगर आप कॉन्स्टेंट मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली मैजिक होता है, और मेरे साथ हुआ है। अब ये वीडियो कई लोग देख रहे होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, पुरुष होंगे, महिलाएं होंगी, शायद बच्चे भी देख रहे हों। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करूंगी कि आपके घर की महिलाएं हैं, अगर वो सही में कुछ करना चाहती हैं ना, तो उन्हें करने दो। क्योंकि मेरे घर पे मैं ये सारा बिजनेस, ये मेरा कोई मेरी मम्मी की तरफ का नहीं है, मतलब माँ के घर से सीख कर नहीं आई थी, ये सारा कुछ मुझे मिला है मेरे ससुराल से। तो ससुराल से मिला है, जो ये इन लॉज से मिला है, और अगर उनका सपोर्ट ना होता तो शायद मैं आज कुछ ना कर पाती। तो अगर कोई लड़की आपके घर शादी होकर आती है और सही में उसकी कोई इच्छा है कि वो कुछ करे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। अगर आज मुझे मेरे इन लॉज का सपोर्ट ना होता तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल होता। तो मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों शेयर करें, ये कोई लाइक और कोई प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं, पॉपुलैरिटी पाने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं है। ये बस इतना चाहती हूँ कि लोग समझें कि कोई घर ऐसा है, कोई फैमिली ऐसी भी है जो अपनी बहू को बोलते हैं ना फ्री बर्ड की तरह काम करने और उड़ने की आज़ादी दी है कि यस ये तुम्हारा स्पेस है, तुम्हें कैसे करना है तुम खुद एक्सप्लोर करो, और बस जो कुछ अचीव करना चाहते हो वो अचीव करो। क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है, हम मरते एक बार हैं, हम जीते एक बार हैं, ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये रियलिटी है। सो हम एक ही बार मरते हैं, एक ही बार जीते हैं, तो जीवन जब मिला है तो उसे सार्थक करो। आपकी जो भी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता, ये बहुत अनसर्टेन चीज़ें होती हैं कि हम रहें ना रहें। सो आपकी जो भी कोई इच्छाएं हैं, वो छोटी हो या बड़ी हो, जो भी काम करने का मन हो, आपको लगता है कि मुझे लाइफ में कर ही लेना चाहिए, तो प्लीज़ करिए। और अपने बल पर फाइनेंशियली आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी इच्छाएँ पूरी करनी है तो सिर्फ हस्बैंड या फैमिली पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, बस ठान लेने की ज़रूरत है कि आपको करना है। मुझे सपोर्ट सबका मिला, लेकिन अगर मेरे अंदर से विलिंग नहीं होती ना करने की, तो शायद मैं ना कर पाती, और ये होता भी नहीं था। लेकिन यस, आज दो दो एक एक दो दो बजे तक जग कर काम करना, घर में बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाती, पर फिर भी कोशिश होती है मेरी 1% 2% की, नहीं मैं कॉन्ट्रीब्यूशन करूँ, वहाँ पर भी करूँ, अपने बिजनेस में भी कर रही हूँ। और इसी सभी की ब्लेसिंग्स के वजह से आप सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है। मैं शायद भारत के कोने कोने तक घूम नहीं पाऊंगी, और अभी तक गई भी नहीं हूँ, पर आज मेरा प्रोडक्ट
गुवाहाटी, असम, त्रिपुरा, जो भारत के नक्शे में मैं कहीं देखा करती थी या न्यूज़ में सुना करती थी, आज वहाँ से मुझे कॉल आता है, हेलो इकोश्योर, आपका ऑयल हमें मिलेगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये चीज़ ना बहुत सेटिस्फाइड कर रहा है, अच्छी नींद आती है और लगता है कि अपनी एक आइडेंटिटी है। रोशनी और इकोश्योर, इन दोनों की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन चुकी है और मैं उन सभी की शुक्रगुजार हूँ जिन सब ने हमें ये प्यार और रिस्पेक्ट दिया है। और मैं बस हमेशा यही चाहूँगी कि जो ये काम कर रही हैं, जो भी लोगों ने विश्वास हम पर बनाया है, हम उसे ब्रेक ना करें। हम कितना भी काम करें, कितना भी बड़ा हो जाए, पर कॉन्स्टेंट हम उसको इसी तरीके से करते रहें। अब ये ऑयल में हमने पानी ऐड कर दिया, काफ़ी हद तक ऑयल छोड़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब धीरे 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 आप देखेंगे इसमें तेल निकलेगा इसमें, कि अब देखिए ये तिल का तेल रेडी हो गया है। पहले हमने इसमें वाटर ऐड किया था मॉइस्चर के लिए, अब प्रॉपर तरीके से तिल का तेल आप देखेंगे रेडी हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ा और हम मटेरियल डालेंगे, इसको इतना गर्म करेंगे जितना हम गर्म पानी, हम रोज़ पानी पीते हैं एग्जैक्टली उतना गर्म करेंगे। और उतना गर्म करने से ये तेल की थोड़ी सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि उसमें कोई प्रिजर्वेटिव और केमिकल एड ऑन होता नहीं है। इसीलिए इस तेल को जितना हम गर्म पानी पीते हैं उतना हम इसको गर्म करते हैं। आधा घंटा हो चुका है, अब आप देखेंगे इसमें तिल ने ऑयल छोड़ दिया है। बड़ा स्लो प्रोसेस है, बड़ा पेशेंस वाला काम है। और ये एक अच्छा है कि इस काम को करने के साथ साथ जो मेरा जो लाइफ को लेकर वो नज़रिया बहुत बदल गया है, सब्र बहुत ज़्यादा आ चुका है कि यस स्लो स्टडी आप करोगे ना तो आपको मिल ही जाएगा। ये वीडियो जैसे ठीक है कई लोग देख रहे होंगे, तो एक उनको भी सजेशन है जो लाइफ में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जो बहुत जल्दी थोड़ी सी निराशा आ गई तो गिव अप कर देते हैं और सोचते हैं कि अब कुछ नहीं है। लोग अपनी किसी भी लाइफ में किसी कोई पर्सनल कोई प्रोफेशनल तरीके से हताश हो जाता है, किसी को किस प्रकार का टॉर्चर मिलता है, कभी कभी मानसिक टॉर्चर इतना ज़्यादा मिलता है कि वो गलत रास्ते अपना लेता है। पर मानसिक टॉर्चर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं नहीं कहती कि लोगों को इससे परेशानी नहीं होती होगी या उन्हें कैसे डील करना चाहिए, बट अगर उस टाइम के लिए मुझे भी हुई थी, मुझे अपनी अलग थी, मेरी नौकरी नहीं थी, तो एक अलग प्रकार का मेरे पास मानसिक टॉर्चर था। जब एक आदमी काम करता है, उसे अच्छी सैलरी होती है, सारी चीज़ें एकदम सही ऑन ट्रैक होती है ना, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी चलती रहती है। और अचानक लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि कॉस्ट कटिंग जो एक था, ये वर्ड मेरी लाइफ में मैं कभी नहीं भूलूंगी, ऐसा हुआ तो उसके बाद ना मेरा ऐसा हो गया था कि सब ख़त्म, वैनिश। सबकी लाइफ चल रही थी पर मेरी लाइफ वहीं रुक गई थी। और इस बात को एक्चुअली ना शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आज भी अगर मैं करूँगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम मेरे पास 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं, पर मैं किसी को नहीं निकालती अंटिल एंड अनलेस सही में वो वर्थ इट नहीं है। मैं तो काम कर ही रही थी, जहाँ थी वहाँ मैं अच्छा ही काम कर रही थी, अपना 100% दे रही थी, स्टिल कॉस्ट कटिंग, क्योंकि मैं किसी की बटरिंग नहीं कर पाई लाइफ में। एंड आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, क्लीन हार्टेड, स्ट्रेट वे, तो शायद वहाँ मेरी जर्नी उतनी थी। पर ये जर्नी जो शुरू हुई है ना, ये अच्छी वाली जर्नी है। मेरी जब भी कंपनी, जितने भी एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, हम उन्हें एटलीस्ट कॉस्ट कटिंग के नाम पर निकालेंगे नहीं। सो ये इन सब कहने का मतलब यही है कि आप डिप्रेस मत होइए लाइफ में। अगर कोई ऐसा फेज़ आ भी जाता है तो उससे डील करें, ऐसे इन लोगों से बात करें जो आपको समझ सके। मैंने भी उस दौरान वही किया था कि मेरे हस्बैंड ही मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और हैं मेरे फ्रेंड, तो कुछ 2-4 लोगों से ही बातें करती रही, उसमें से निकलने की कोशिश की। और आज वो दिन है कि यस, आज कॉन्फिडेंस को ना देखने की या सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना रोज़, वैसे मैंने मेरे दिमाग शरीर पे कॉन्फिडेंस पहन रखा है कि नो वन कैन लेट डाउन टू मी, नो वन कैन, मुझे कोई कम नहीं दिखा सकता। जिसकी है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो देखे, मुझे नहीं कम, मैं नहीं कभी पीछे मुड़ के देखा। मैंने जो है वो आगे करूँगी, जिसको जो बोलना है वो बोले, जो मेरा काम है वो मैं इसी करती रहूँगी, उसको मैं नहीं रोकूँगी। तो अब ये तेल बन चुका है, अब ये तेल हम निकालेंगे और आपको पैक करके बताएंगे कि किस तरीके से इकोश्योर हैंडमेड प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। तो चलिए इसको तेल को निकालते हैं। अब हम तेल निकालने वाले हैं। इसके पहले मैं एक आपको रिकैप देना चाहूँगी कि सबसे पहले हमने 17 kg तिल लिया था। तिल की क्वालिटी तो आपने देख ही ली थी कि हम ए ग्रेड का तिल निकालते हैं,
उसके बाद के प्रोसेस में सिर्फ वाटर ऐड था, अदर कोई केमिकल और प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं था। ऑयल आपके सामने अब बनकर रेडी है। सो आपने देखा कि पूरी तरीके से हाइजीन, नेचुरल क्वालिटी, प्योर शुद्ध तेल आप सबके लिए मैं बनाती हूँ। ये लॉक है, इस लॉक को जब हम खोलते हैं इस तरीके से तिल का तेल निकल। कभी कभी कुछ अटक जाता है। सो अब मैं बताने वाली हूँ कि ये किस किस पैकिंग में अवेलेबल है। लाइक हमारे पास 100 ml अवेलेबल है, 100 ml 55 रुपीस का है, देन वी हैव 200 ml, ये 100 रुपीस का है, देन हाफ लीटर 235 एंड 1 लीटर, ये है 450 रुपये लीटर। सो हम इस तरीके से तेल की पैकिंग करते हैं। और ये तेल आप देखेंगे, देखने में आपको गाढ़ा वाला एकदम तेल लगेगा। ये तेल पे पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस है, और प्लस हमारा फूड लाइसेंस, और ये भी लिखा है कि ये तेल की लाइफ कितनी है, आप कितने दिनों तक इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप हमें मौका देना चाहें, मेरी ब्रांड इकोश्योर से आप तेल मंगाना चाहें, तो हम हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, लाइक इंस्टाग्राम, देन फेसबुक पेज, देन हमारी वेबसाइट है www.ecoshoreoils.com, और हमारा कॉलिंग नंबर है 9819514272। सो दोस्तों, ये है इकोश्योर की छोटी सी ऑयल मिल, जहाँ पे रोशनी जी ने एकदम 100% नेचुरल ऑयल निकाल के पूरे भारत में ऑयल के लिए अपनी अलग ही पहचान बना ली है। और इन्होंने तैयार कर लिया है कि अपने कस्टमर के साथ कभी भी क्वांटिटी और क्वालिटी में छेड़खानी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह 100% नेचुरल प्रोडक्ट में वैल्यू करते हो, तो आप इनके बताए हुए पते पर अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। सो यस, दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ऐसे ही और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर दो। पीस आउट।